हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का सफरनामा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजनीति में मिजाज कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। एक समय आप गुस्से में होते हैं तो दूसरे समय आप खुश भी हो जाते हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि मिजाज पर जैसे कोई संयम ही नहीं रहता। गुस्से में आप अपनों को डांट देते हैं तो खुशी में आप विरोधियों का भी धन्यवाद करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मिजाज कैसे हैं खुद वो भी नहीं जानते। पीएम मोदी को गुस्सा कभी कभी आता है और यकीनन आपने उन्हें ज्यादा गुस्सा करते नहीं देखा होगा, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी की अपनी पार्टी के एक सदस्य ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें गुस्सा आ ही गया। एक विधायक के तौर पर आकाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश के अलावा शायद ही कोई जानता होगा या सिर्फ बीजेपी वाले ही जानते होंगे, क्योंकि ये बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। अब एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि सारा देश उन्हें जानने लगा। उस घटना के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद से ही बीजेपी के ये नेता लोगों की नजरों में आ गए। हालात ये हो गए कि इनके पिता और बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की एक पुरानी तस्वीर शेयर की जाने लगी, जिसमें वो भी कुछ उसी तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे जैसे उनके बेटे ने दी। फिर क्या था, पीएम मोदी को गुस्सा आ गया और इस मामले पर आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। मिसहैंडलिंग हुई है और दोनों ही तरफ से मेरा ऐसा मानना है कि कच्चे खिलाड़ी हैं, आकाश जी भी और नगर निगम कमिश्नर भी। बहुत बड़ा विषय नहीं था, जबरदस्ती बड़ा बना दिया और मुझे लगता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए अधिकारियों को भी। जनप्रतिनिधि से बात करना चाहिए, टेलीफोन उठाना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हम मना कर सकें, पर उसका मुझे अभाव दिखा। और चूंकि एपिसोड खत्म हो गया तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसलिए दोनों को समझाइश की आवश्यकता है। वैसे ये पहली बार नहीं जब पीएम मोदी अपनी पार्टी के किसी नेता से इस तरह गुस्सा हुए हों। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने जब नाथुराम गोडसे और महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, तब भी पीएम मोदी बेहद खफा हो गए थे। आप पूछने में संकोच कर रहे हैं जी, आप संकोच मत कीजिए जी। जो बयान आया है पूरी तरह निंदनीय है, अस्वीकार्य है और कभी भी ऐसे लोगों को ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए, सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, बाद में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन मैं मन से उनको माफ नहीं कर पाऊंगा, जीवन भर नहीं कर पाऊंगा। और पीएम मोदी की ये नाराजगी तो चुनावों के बाद तक नजर आई थी। खैर, पीएम मोदी की ये नाराजगी बीजेपी के लिए एक अल्टीमेटम की तरह है। पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता की ओर कदम बढ़ा रही है, ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का विवाद उनके दामन में दाग लगा जाए। और यही नहीं, आने वाले चुनावों को देखते हुए पार्टी किसी भी मुश्किल में पड़ना नहीं चाहती। गौर करने वाली बात तो ये है कि पीएम मोदी की ये नाराजगी तब सामने आई जब सतना में सीएमओ की पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा। ऐसे में पार्टी के लिए जरूरी था कि इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आए, ताकि ऐसा कहीं भी ना लगे कि पार्टी पर किसी का नियंत्रण ही नहीं। सरकार की भूमिका भी बड़ी नकारात्मक है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर की राजनीतिक रूप से सौजन्यता है, कभी भी दुश्मनी नहीं रही, पर वर्तमान सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है विरोधियों से। यह मध्य प्रदेश के लिए एक अभिशाप है।
हमें कहते हैं बहुत गर्व है कि हमने पटवा जी की पीढ़ी से, अर्जुन सिंह जी की पीढ़ी से, मोतीलाल वोरा जी की पीढ़ी से, दिग्विजय सिंह जी की पीढ़ी से बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पर हमारी दुश्मनी नहीं है। पर इस सरकार का एक्ट ऐसा है जैसे दुश्मनों जैसे व्यवहार कर रही है। पीएम मोदी का यह अल्टीमेटम पार्टी में बड़ी सख्ती से लिया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात पार्टी के पक्ष में है, सब कुछ पार्टी के हिसाब से चल रहा है। ऐसे में पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि विपक्ष के हाथ कुछ नया लग जाए। साथ ही पीएम मोदी की ऐसी कार्रवाई दूसरों के सामने ये संदेश होगी कि बीजेपी में वंशवाद और भाई भतीजेवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। पर यह प्रतिक्रिया तब आई जब चिड़िया खेत चुक कर जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।